वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम EE203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर कैपेसिटर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के संधारित्र होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे तथा उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने संधारित्र की गुणों के बारे में अध्ययन किया था कि संधारित्र का मुख्य रूप से उपयोग एनर्जी के स्टोरेज के लिए होता है, साथ ही यह पावर फैक्टर या शक्ति गुणक का मान बढ़ाने के लिए भी शक्ति तंत्र में काम लिया जाता है। मुख्य रूप से संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर और दूसरा परिवर्तनशील यानी फिक्स्ड और वेरिएबल। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो उसमें परावैद्युत के आधार पर किया जाता है, जैसे पेपर संधारित्र, माइका संधारित्र, इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र, वायु संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र, फिल्म संधारित्र इत्यादि। सो मुख्य रूप से संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, स्थिर अर्थात जिनका मान अपरिवर्तनशील है, जिनका मान सदैव एक समान रहेगा, और दूसरे परिवर्तनशील जिनका मान बदला जा सकता है। आपने यदि कभी गौर किया हो तो पुराने रेडियोस के अंदर हम एक नॉब को वेरी करके एक विशेष स्टेशन की या एक विशेष स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम को सुन सकते थे। वास्तव में वह नॉब एक श्रेणी अनुनाद परिपथ का भाग होती है जिसमें परिवर्तन संधारित्र काम में लिया जाता है। जैसे ही नॉब के द्वारा आप नॉब को चेंज करते हैं तो संधारित्र के मान में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से अनुनादी आवृत्ति का मान भी बदल जाता है। तो जिस भी स्टेशन के जो प्रसारण की आवृत्ति है उससे वह मैच कर जाती है उसी स्टेशन की प्रसारित कार्यक्रमों को हम सुन पाते हैं। अब परावैद्युत के आधार पर जो संधारित्र को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, पेपर कंडेंसर या पेपर संधारित्र, एयर कंडेंसर, वायु संधारित्र, माइका कंडेंसर, माइका संधारित्र, इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर, इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र, सिरेमिक कंडेंसर, सिरेमिक संधारित्र और फिल्म कंडेंसर, फिल्म संधारित्र। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताएं एवं इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पेपर संधारित्र के बारे में। पेपर संधारित्र में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पेपर का उपयोग किया जाता है। पेपर शीट को तेल या मोम से कवर कर दिया जाता है। यह जो पेपर शीट है संधारित्र व धात्विक पेपर संधारित्र, इसके प्रकार हैं।
इनका उपयोग अधिकतर उच्च वोल्टता व उच्च धारा पर किया जाता है। दूसरा है वायु संघारित्र या एयर कंडेंसर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वायु का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। यह साधारणतया परिवर्तनशील संघारित्र के रूप में काम आते हैं और इनका उपयोग, जैसा कि अभी हमने जाना है, रेडियो रिसीवर में किया जाता है और इनकी धारिता का अधिकतम मान लगभग 500 माइक्रोफेरड होता है। तीसरा, माइका संघारित्र। माइका संघारित्र में अगेन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में माइका का उपयोग किया जाता है। क्लैम्प्ड माइका संघारित्र व सिल्वर माइका संघारित्र इसके प्रकार हैं। जो माइका है उसकी विद्युतीय, रासायनिक एवं यांत्रिकी स्थिरता उच्च होती है, इसलिए इनका उपयोग निम्न मान के स्थायी व विश्वसनीय संघारित्र रूप में उपयोग पावर आरएफ परिपथ, रेडियो फ्रिक्वेंसी परिपथ, उच्च आवृत्ति अनुनादी परिपथ, फिल्टर्स, दोलित्र ऑसिलेटर्स में किया जाता है। अगला जो है वो है इलेक्ट्रोलिटिक संघारित्र। इलेक्ट्रोलिटिक संघारित्र में इलेक्ट्रोलाइट या तो नम या सॉलिड पॉलीमर होता है, टेंटलम या एल्यूमिनियम का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में साधारणतः इसमें होता है। यह पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड, ध्रुवीय व अध्रुवीय दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात इनका उपयोग ध्रुवीय जो संघारित्र है उनका उपयोग केवल दिशधारा परिपथ में ही, जैसे पावर सप्लाई फिल्टरों, कंप्यूटर के मदरबोर्ड, ऑडियो एम्पलीफायर में फिल्टरों में किया जाता है, जबकि अध्रुवीय संघारित्र का उपयोग एककलीय प्रत्यावर्ती धारा मशीनों, पंखों आदि में किया जाता है। तो हमने देखा है कि पंखों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज सिरेमिक कंडेंसर या सिरेमिक संघारित्र। सिरेमिक पदार्थों का उपयोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। यह अध्रुवीय प्रकार के होते हैं, अर्थात नॉन पोलराइज्ड होते हैं। इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें लेडेड डिस्क सिरेमिक संघारित्र, सरफेस माउंट मल्टी लेयर सिरेमिक संघारित्र MLCC, माइक्रोवेव बेयर लेड मुक्त डिस्क सिरेमिक संघारित्र इत्यादि। अब जो ये सिरेमिक संघारित्र है इनका उपयोग ट्रांसमीटर स्टेशन में अनुनादी परिपथ में उच्च वोल्टता लेजर पावर सप्लाई में शक्ति परिपथ वियोजक में प्रेरण भट्टी आदि में किया जाता है। परिपथ वियोजक एक फॉल्ट क्लियरिंग डिवाइसेस हैं जो कि शक्ति तंत्र में काम आते हैं। फॉल्ट आने पर
रिले के द्वारा फॉल्ट को सेंस किया जाता है। रिले एक प्रकार का सिग्नल परिपथ वियोजक या सर्किट ब्रेकर को देती है और सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज होकर परिपथ वियोजक को ऑपरेट करती है, जिससे जो फॉल्ट वाला पार्ट है या फॉल्टी पार्ट जो है शक्ति तंत्र में वो हेल्दी सिस्टम से अलग हो जाता है। प्रेरण भट्टी का उपयोग मेटलर्जी में किया जाता है। अब जो नेक्स्ट संगारित्र है वो है फिल्म कंडेंसर। फिल्म कंडेंसर या फिल्म संगारित्र प्लास्टिक फिल्म का उपयोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। इसके निम्न स्वप्रेरण, कम मूल्य, पावर सर्ज को बिना हानि के सहने की शक्ति एवं उच्च अभिलक्षण स्थायित्वता होने के कारण इसका उपयोग एक्सरे के फ्लैशों में, शक्ति संग्रहण में अर्थात एनर्जी स्टोरेज में, ए टू डी परिवर्तक अर्थात एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में किया जाता है। धात्विक पॉलिस्टर पीईटी, पॉलीप्रोपाइलीन पीईएन, पॉलीस्टायरीन इसके प्रकार हैं। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के संगारित्रों के बारे में अध्ययन किया है। एक बार उसको समराइज करते हैं कि संगारित्र दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर संगारित्र का मान हमेशा स्थिर रहेगा, जबकि परिवर्तनशील संगारित्र का मान हम आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। परावैद्युत के आधार पर हमने जो संगारित्र को छह भाग में बांटा मुख्य रूप से, जिसमें पेपर संगारित्र, वायु संगारित्र, माइका संगारित्र, इलेक्ट्रोलिटिक संगारित्र, सिरेमिक संगारित्र, फिल्म संगारित्र, इन सब के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। इनका उपयोग मुख्य रूप से एनर्जी स्टोरेज के लिए, रेडियो रिसीवर में, अनुनादी परिपथों में, दौलित्र में, फिल्टर्स में, कंप्यूटर के मदरबोर्डों में, ऑडियो एम्पलीफायरों में, लेज़र पावर सप्लाई में, प्रेरण भट्टी में, एक्सरे के फ्लैशों में, ए टू डी कन्वर्टर्स अर्थात एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में किया जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
E203 के जो दूसरा भाग है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है के बारे में हम अध्ययन करेंगे।